एमपीएसई के छात्रों के समर्थन में यूथ कांग्रेस और एनएसयूआई द्वारा आज संविधान चौक में आंदोलन किया गया है। इस दौरान अनिरुद्ध पांडे बोले कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा एमपीएसई के पेपर पैटर्न को अचानक बदलाव किया गया है। इसी के विरोध में महाराष्ट्र सरकार के विरोध में नारेबाजी कर आंदोलन किया गया और मांग की गई है कि पेपर पैटर्न की अचानक बदलाव हुआ जिस कारण पुराने पैटर्न से पढ़ाई कर रहे हैं और अचानक बदलाव होने से छात्रों का नुकसान होगा। हम कई दिनों से देख रहे हैं कि एमपीएससी के छात्र जो है अपनी मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। आज हम संविधान चौक पे, नागपुर स्थित संविधान चौक पे जो है आंदोलन किया जा रहा है, क्या आपकी मांग? अनिरुद्ध पांडे, नागपुर जिला एनएसवे अध्यक्ष। आज हम एमपीएससी के विद्यार्थियों के समर्थन में नागपुर के संविधान चौक पर यूथ कांग्रेस व एनएसयूआई इकट्ठा हुआ है। माननीय कुणाल जाधव राउत हमारे प्रदेश अध्यक्ष, उनके मार्गदर्शन में हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और यहाँ हमारा इकट्ठा होने का कारण यही है कि महाराष्ट्र सरकार ने एकदम से एक तुगलकी फैसला सुनाया कि एमपीएससी का जो पेपर पैटर्न है वो पेपर पैटर्न को उन्होंने बदलाव किया। इसके पहले ऑब्जेक्टिव इसमें होता था, अभी डिस्क्रिप्टिव इसमें किया। हमारा उस पैटर्न को विरोध नहीं है, हमारा विरोध है कि आपने एकदम से बदलाव क्यों किया। बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जो पुराने पेपर पैटर्न के हिसाब से तैयारी कर रहे थे और एकदम से फैसला बदलने से उनकी 2-3 साल की मेहनत बेकार हो गई है। अभी एमपीएससी के छात्रों के साथ जो है कांग्रेस पार्टी और एनएसयू जो है समर्थन में है, तो क्या लगता है कि एमपीएससी के छात्रों को न्याय जल्द ही मिलेगा? बिल्कुल, उनको न्याय मिलना ही चाहिए। हम समर्थन में राजनीति करने के लिए नहीं है, मैं एक बात मीडिया के माध्यम से स्पष्ट कर दूं। हम उनके इस तकलीफ में उनके साथ हैं क्योंकि जो वर्तमान सरकार है वो विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है और एक जागरूक नागरिक होने के खातिर एनएसयूआई एक स्टूडेंट संगठन है, स्टूडेंट संगठन होने के खातिर हम विद्यार्थियों के साथ अन्याय होता हुआ नहीं देख सकते। इसलिए हम मीडिया के माध्यम से मुख्यमंत्री जी को ये कहते हैं कि इसमें राजनीति हम करना नहीं चाहते, हम राजनीति कर भी नहीं रहे, पर हमारी आपसे यही मांग है कि विद्यार्थियों के भविष्य के साथ अगर आप खिलवाड़ करेंगे तो कांग्रेस पार्टी और एनएसयूआई पीछे नहीं हटेंगी, हम उनके साथ हमेशा खड़े रहेंगे और जरूरत पड़ी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे, चाहे मुख्यमंत्री निवास में जाना हो या मंत्रालय में जाकर आंदोलन करना हो, हम शांत नहीं बैठेंगे। बिल्कुल, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि एमपीएससी के छात्रों का जो है एक राजनीति पार्टी का भी समर्थन मिल गया है। तो एमपीएससी छात्रों की जो मांग है वो जायज़ मांग है। सिलेबस आप चेंज कर रहे हैं तो सिलेबस चेंज करने के बाद उसका एग्जामिनेशन 2025 से चालू किया जाए, ये जायज़ मांग है। मगर सरकार छात्रों का सुन नहीं रही है, ना उनसे बातचीत कर रही है और राज्य के हर शहर में उसके अगेंस्ट में छात्रों का प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, उसके बावजूद भी सरकार अनसुनी कर रही है। सरकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में व्यस्त है, जनता के या लोगों के और छात्रों के प्रश्नों के ऊपर सरकार गंभीर नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि छात्रों को जो है अब पार्टी का समर्थन मिल गया है, तो छात्रों की मांगें पूरी होती है या नहीं, छात्रों को जो है न्याय मिलता है या नहीं, अब ये देखने वाली बात है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोड़ के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, BCN न्यूज़ नागपुर।